वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं रोहिणी वंस अगेन आज आपके लिए अगेन एक बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट जो आजकल मैं अभी विंटर्स के लिए यूज कर रही हूँ। बिकॉज अभी जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो पुणे में अमेजिंग विंटर्स चल रहे हैं, अमेजिंग विंटर्स चल रहे हैं। सो वो विंटर्स को कैसे मैं अपने स्किन केयर, अपने जैसे मेरा मेकअप, मेरा स्किन केयर मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, किस तरीके से मेरा जो मेकअप मैं अभी जैसे मैंने जस्ट स्लाइटली मेकअप किया है तो वो मेकअप मैं किस तरीके से कैरी करती हूँ, या फिर वो फटे ना, क्रैकी होना, ऐसे के लिए मैं क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो ये सारे चीज़ें, ये सारे प्रोडक्ट्स जो मेरे स्किन केयर मेकअप के लिए जो मैं खरीदती हूँ, ये मैंने खरीदे हैं सारे अमेजोन से। और ये अमेजोन पर आपको बहुत ही अमेजिंग अमाउंट्स में या फिर क्या बोलते हैं प्राइजेस में मिल जाएंगे। बिकॉज आपको पता है हमेशा अमेजोन पे किसी ना किसी तरीके की सेल चलती रहती है, और अभी जो सेल चल रही है वो बेस्ट है बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में 30%, 40%, 70%, 80% ऑफ आपको मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको बहुत अमेजिंग प्राइजेस में बहुत आपके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने लगेंगे, मिल जाएंगे या फिर। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं स्किन केयर से। तो स्किन केयर के लिए मैं सबसे पहले हमें फेस वॉश की ज़रूरत होती है। तो फेस वॉश के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ ये मामा अर्थ का उक्टन फेस वॉश जो मैंने अमेजोन से ही खरीदा है। ये टोटली अमेजोन से ही मैंने खरीदा है। ये छोटा सा पैक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मुझे ट्राई कर रहा था, मैंने सोचा कि उप्टन फेस वॉश बहुत सुन रही हूँ मैं, तो डायरेक्ट वेबसाइट से लेने से अच्छा मैं अमेजोन पे देखती हूँ। ये मैंने खरीदा जो है विथ टर्मरिक एंड सैफ्रॉन, एंड ये पैराबेन, एलएस फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड वगैरह है। तो ये मैं आपको वो सब नहीं बताऊंगी बिकॉज मैं कोई सिंपल आपके लिए पर्टिकुलरली ये नहीं कर रही हूँ। ये उप्टन फेस वॉश जो मैं डेली के लिए यूज करती हूँ, 25 ml इसकी क्वांटिटी है। प्राइस भी बहुत बढ़िया में मुझे मिल गई थी, तो ब्रांडेड चीजें लेते हैं तो हमारी स्किन अच्छी रहती है, इसलिए मैंने ट्राई करने के लिए लिया था। देन चलते हैं हमारी क्रीम, विंटर क्रीम के लिए। तो विंटर क्रीम में मैं हमेशा ऑल 24 hours 365 days मैं यूज करती हूँ लैक्मे पीच मिल्क, जो मुझे मेरी स्किन के लिए बहुत सूदिंग एंड बहुत सॉफ्ट लगता है। तो लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम 24 hour मॉइस्चर लॉक, ये मैं अपने विंटर्स के लिए बेसिकली यूज करती हूँ बिकॉज ये मुझे मेरे विंटर्स में मेरी स्किन को बहुत अच्छा इफेक्टिव बहुत मॉइस्चर्ड हाइड्रेटेड रखता है। ये बेस्ट है एंड ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैं बहुत दिन से यूज कर रही हूँ। आई थॉट कि मैं आपके साथ ये जरूर शेयर करूँ। देन इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो है आपके लिप्स को केयर करने के लिए। तो लिप्स के लिए भी मैं बहुत ज्यादा हैवी प्रोडक्ट्स नहीं यूज करती हूँ, मैं जस्ट यूज करती हूँ ब्लू हेवन का ये लिप बॉम जो है वो। तो ये इस तरीके से आप ओपन करेंगे, ये देखिए ये लिप बॉम है जो मैं यूज करती हूँ फॉर माई लिप्स टू बी हाइड्रेटेड। तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो मैं लिप बाम यूज करती हूँ। लिप्स बहुत खराब हो जाते हैं विंटर्स में, तो बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए इस विंटर्स में यूज करने के लिए। मुझे ये ब्लू हेवन का ये जो लिप बाम है ये बहुत पसंद है। इसका फ्रेग्रेंस, इसका जो वो जो रहता है ना बाम का जो ये क्या बोलते हैं मॉइस्चर, बहुत अमेजिंग आता है। देन उसके बाद प्राइमर, तो एलोवेरा या फिर जो भी आप अकॉर्डिंग टू आपकी स्किन के हिसाब से, तो मैं प्राइमर नहीं बोलूंगी, डायरेक्टली चलते हैं फाउंडेशन के पास। तो फाउंडेशन के लिए मैं ये लॉरियल पैरिस का इनफैलिएबल 24 hour मैट कवर 103 नेचुरल बफ मेरा शेड है। ये मैंने लिया है लॉरियल पैरिस का। इसकी थोड़ी प्राइसिंग ज़्यादा है, आई थिंक कुछ 800 वगैरह का है ये। इसकी थोड़ी सी प्राइसिंग आई थिंक थोड़ी हाई है, बट ये बहुत इस पर नहीं लिखी है। बेसिकली बहुत अच्छा है, कवरेज बहुत अच्छा देता है, नेचुरल कवरेज देता है। ये लॉरियल पैरिस का इनफैलिएबल 24 hour मैट कवर ये मेरा बेस्ट फाउंडेशन है, डेली यूज का फाउंडेशन है मेरा। मैं यही यूज करती हूँ। देन उसके बाद अगर बात करें हमारे आईज, लिपस्टिक एंड ऑल के लिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा काजल। काजल के लिए मैं L18 का आई ड्रामा, ये मेरा रेगुलर रोज का जो मेरा मेकअप है, रोज का जो मुझे अगर समझो कोई वीडियो बनाना है फटाफट, मुझे मेरी क्लासेस के लिए बैठना है फटाफट, अगर मुझे कहीं फटाफट के लिए जाना है कहीं से, तो मेरा ये किट रेडी रहता है। तो ये L18 का आई ड्रामा बोल्ड ब्लैक मेरा काजल है डेली यूज का। इसी में से मेबेलिन क्लोसल का बोल्ड लाइनर, ये वाला मैं लाइनर यूज करती हूँ। मस्कारा के लिए मेबेलिन का
हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा, ये मेरा डेली यूज का मस्कारा है। एंड द लास्ट लिपस्टिक, मेरी डेली लिपस्टिक की जो मेरा लाइक हमेशा का शेड जो है, मेरा रोज का जो शेड है, मैं जो यूज करती हूँ, मेरा बेस्ट फेवरेट एंड ऑलमोस्ट यू नो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारा इसको खत्म कर दिया। मैं आई थिंक दो या तीन इसकी जो बोलते हैं ना बॉटल्स खत्म कर दी हैं। सो ये दिस इज द सेकेंड या फिर थर्ड, सेकेंड इसका लाया था उन्होंने, शेड दूसरा आ गया था तो इसी को सेकेंड बोलूंगी मैं। सो ये है एक्चुअली इसका शेड नंबर, मैं आपको बताऊं तो इसका शेड है 05 रेड सांगरिया, 05 रेड सांगरिया। बहुत सुंदर शेड है, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाऊं तो बहुत अमेजिंग शेड है। ब्राउनिश चॉकलेटी वायलेट पर्पल मिक्स, ऑलमोस्ट सारे आपके यू नो सारी ड्रेसिंग्स के साथ, आपकी हर टाइप की ड्रेसिंग के साथ ये बोल्ड कलर बहुत अच्छा जाता है। तो हमेशा मैं रोज यही लगाती हूँ बिकॉज ये मेरे ऑलमोस्ट, मैंने डार्क पहना हो लाइट पहना हो, मेरे लिए कलर बेस्ट मैच हो जाता है। तो यस, ये था मेरा खुद का डेली स्किन केयर, मेरे डेली स्किन केयर एसेंशियल्स जो मैं हमेशा खरीदती हूँ, मेरे लाइक यू नो मेरे हमेशा की परचेस रहती है अमेजोन से। तो मैंने ये खरीदा है, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑलमोस्ट मैं अगर दिखाना चाहूँ तो देखिए मेरे एक ही बास्केट में ये सारी चीज़ें रहती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो जस्ट आई कीप इट इन अ वे कि मुझे सारी चीज़ें मिल जाएं, तो ये मेरा बास्केट हमेशा से हमेशा हमेशा से जो रहता है इट्स लाइक दिस इन विच आई कीप एवरीथिंग, और ये मेरा रोज का बास्केट है। सो अगर कभी शेड मुझे अलग लगाना हो तो लिपस्टिक चेंज हो जाती है, फेस वॉश कभी तो भी चेंज करती हूँ बिकॉज अगर कोई ये कंटिन्यूटी में है तो उसको डिफरेंट नहीं करना चाहिए, स्किन पे इफेक्ट हो सकता है। एंड हाँ, लाइनर काजल भी होते रहते हैं बट इतना नहीं, बट रोज का डेली का कहाँ ढूंढते बैठो या झंझट करते बैठो, उससे अच्छा ये है यूज करो एंड यू आर गुड टू गो। सो यस, यही सारी चीजें हैं। फिर अगर ये खत्म हो जाती है तो फिर मैं दूसरी यूज करती हूँ। सो अकॉर्डिंगली मेरे अमेजोन एसेंशियल्स जो हैं वो यही हैं, एंड यस ये मेरे बेस्ट हैं बेस्ट फेवरेट रहेंगे। एंड इसके बारे में कुछ बदलता है तो भी आपको जरूर बताऊंगी। तो कैसा लगा आज का ये मेरी वीडियो जरूर आप बताना, मिलते हैं और नए अच्छे से और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, सी यू सून एंड बाय बाय।